फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ मैलानी रूट के बारे में। आने वाले समय में हो सकता है ये सबसे थकाऊ रूट कहलाया जाए, कारण पूरा बताएंगे। लखीमपुर रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को विकास भाई ने बनाकर भेजा है और ये वाली क्लिप को वैदिक भाई ने बनाकर भेजा है। आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों भाई जहां आप कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, डबल डीजल लोको वाली मालगाड़ी आ रही है, जिसमें देख सकते हैं कि जो मालगाड़ी है उसको खींचने में डीजल लोको हाँफने लगे हैं। काफ़ी ताकत लगाने के बाद भी तेज़ रफ्तार से नहीं खींच पा रहे हैं। काफ़ी समय बाद डबल लोको के द्वारा मालगाड़ी को खींचते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो ये भी एक दिखाना था। तो बात चल रही थी थकाऊ रूट के बारे में, क्यों थकाऊ रूट कहलाएगा लखनऊ मैलानी रूट। हम आप लोगों को कारण बता रहे हैं। 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पर ट्रेनें चलती हैं, उसके बावजूद भी ट्रेनें समय से नहीं चल रही हैं, जहाँ की तहाँ घंटों खड़ी रहती हैं। कारण ये भी है कि कई हॉल्ट हैं, उनको स्टेशन होना चाहिए। हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, इटौंजा होना चाहिए, बरई जलालपुर भी होना चाहिए, झरेकापुर होना चाहिए, खीरी टॉइन ऑयल होना चाहिए, फरधान रेलवे स्टेशन भी होना चाहिए, देवकली रेलवे स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है। और आने वाले समय में इनके स्टेशन होने की कमी खलेगी। ट्रेन वैसे भी एक जगह पर खड़ी हो जाती हैं तो क्रॉस कराने के लिए घंटों खड़ी रहती हैं। और कहाँ कहाँ खड़ी रहती हैं हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। बख्शी का तालाब रेलवे स्टेशन पर, अटरिया रेलवे स्टेशन पर सुबह, हरगांव रेलवे स्टेशन पर भी रात के समय, गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन पर, लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर। तो इस वजह से ट्रेनें लेट होती हैं, यात्री तो परेशान होते हैं, इसके अलावा ट्रेनें भी लेट होती हैं। तो इस तरह से लोग मुँह मोड़ने लगेंगे आने वाले समय में, तो आमदनी नहीं होगी, और जब आमदनी नहीं होगी तो रेलवे ट्रेन कैसे चलाएगा। रेलवे खुद कहेगा कि इस रूट पर आमदनी नहीं हो रही, हम ट्रेन क्यों चलाएं। तो मैं ये नहीं कहता कि एक और प्लेटफॉर्म बनाया जाए, सिर्फ एक एक सिंगल लाइन डाल दी जाए, मेन लाइन इटौंजा, झरेकापुर, ओएल, खीरी, राजागंज रेलवे स्टेशन पर, जिससे कि ट्रेनें नॉन स्टॉप गुजर जाया करें और रुका ना करें। तो इस तरह से लेट लतीफ़ी से बचा जा सकता है। इसके अलावा ट्रेनों का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी सही नहीं है। ट्रेनें जहाँ की तहाँ घंटों रोक दी जाती हैं। अब जैसे इस ध्रुव यान को देखिए निकल रहा है, तो हरगांव रेलवे स्टेशन पर 0-54-91 नंबर ट्रेन को खड़ा करके ध्रुव यान को निकाल दिया, तो स्पेशल ट्रेनों को प्रायोरिटी मिल रही है, मालगाड़ियों को भी, लेकिन सवारी गाड़ियों को नहीं। आप लोगों की क्या राय है इस मामले में, कमेंट्स करके जो बताइएगा। पंक्चुअलिटी बिल्कुल भी नहीं है रेलवे में। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।